नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर कल्पना, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम विषय नागरिक शास्त्र के खंड खा स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 7, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। बच्चों, इस अध्याय को हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाग एक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आइए उसे जान लेते हैं। चर्चा के बिंदु हैं 1980 से 1990 का दशक। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह। जैसे 1980 का दशक, तो 1980 से 1989 तक के वर्षों के समूह को हम 1980 का दशक कहते हैं, और 1990 से 1999 के वर्षों को हम 1990 का दशक कहते हैं। इसी भाग एक में गठबंधन का युग और कांग्रेस का पतन किस युग को कहा गया है, किस दौर में यह व्यवस्था आई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार के प्रभाव, इन सब बिंदुओं पर इस भाग एक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1980 से 1990 का दशक। बच्चों, आपने पिछले अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं के अंतर्गत आपने यह अध्ययन किया होगा कि 1920 में पंजाब में अकाली दल की स्थापना हुई थी। अकाली दल वहाँ का एक राजनीतिक दल है। इस दल ने पंजाबी बहुल राज्य के गठन के लिए एक सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया था। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो राज्य भी बन चुके हैं। तो इस अकाली दल के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो सिख समुदाय था, इस क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर दो भागों में बट गया। जो चरमपंथी थे उनके द्वारा इस स्वायत्तता को लेकर सशस्त्र विद्रोह चलाया जा रहा था। उसी क्रम में चरमपंथियों ने हथियार उठा लिए और वहाँ के स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, अर्थात भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे कहा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से चरमपंथियों के चंगुल से स्वर्ण मंदिर को आज़ाद कराया गया और चरमपंथियों को मंदिर से बाहर निकाला गया। इस घटना को सिख समुदाय अपने धर्म और विश्वास के पर हमला माना, और इसकी परिणति यह हुई कि इंदिरा गांधी के उनके ही अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी। 31 अक्टूबर 1984 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन हमारी भारतीय राजनीति में हुए जिनसे देश की राजनीति पर व्यापक एवं गंभीर प्रभाव पड़े। तो ये परिवर्तन क्या थे, इन्हें जान लेते हैं। 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 1989 के पहले की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस
जो राजनीतिक दल है उसका वर्चस्व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे देश में कायम रहा है। लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण घटना भी माना जाता है। आपको याद होगा 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था और उस समय के आपातकाल से देश का अधिकांश जो समुदाय था वह इस आपातकाल के विरुद्ध था। इसलिए 1979 में जब आम चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सब मिलकर जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ते हैं और जनता पार्टी की सरकार बनती है। सिर्फ वही एक घटना है जिसमें कांग्रेस की हार हुई थी, उसके बाद यही एक ऐसी घटना है जिसे कांग्रेस के पतन के रूप में जाना जाता है। तो जिस राजनीतिक दल ने 1984 के लोकसभा चुनाव में 415 सीटें प्राप्त की थीं वह 1989 के चुनावों में 197 सीट ही जीत सकी। कहाँ आंकड़ा 415 का जा रहा था 1984 में, वह 1989 में आते आते 197 सीटें में ही सिमट गया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू किया। यहाँ मंडल आयोग शब्द आया है। इस मंडल आयोग के बारे में हम विस्तार से चर्चा इस अध्याय के भाग दो में करेंगे। इन संस्तुतियों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग आया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आशय है कि ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों से पृथक एक और श्रेणी है जो शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। ऐसे समुदायों को ही यहाँ पर कहा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो केंद्र सरकार की नौकरियों में इस वर्ग को आरक्षण दिया गया। आरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित कर देना, कि अगर कह दिया गया कि इस सीट में अन्य पिछड़ा वर्ग ही बैठ सकता है या इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है तो उस वर्ग के अलावा और कोई वर्ग उस सीट पर कब्जा नहीं कर सकता है। सरकार के इस निर्णय से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। साथ ही मई 1991 में तमिलनाडु दौरे के दौरान लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। ये लिट्टे शब्द आया है। लिट्टे एक उग्र तमिल संगठन है जो स्वायत्तता की मांग कर रहा है। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में आम चुनाव होते हैं और इस आम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती है और कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी कालचक्र में एक और भी मुद्दा सामने आया है जिसने हमारी राजनीति में कुछ परिवर्तन या बदलाव भी किए हैं। वह मुद्दा है आपका अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विवादित मुद्दे ने दिसंबर 1992 में विध्वंसक रूप धारण कर लिया था। इस घटना के बारे में विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय के भाग दो में करेंगे। तो ये सब मुद्दे हैं जिन्होंने हमारी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा में परिवर्तित किया है। इसी में एक और दौर भी आता है, गठबंधन का युग और
कांग्रेस का पतन। गठबंधन का युग, तो सबसे पहले जानते हैं गठबंधन क्या है। जब किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह अन्य दलों से गठजोड़ करके बहुमत प्राप्त करता है और इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। यह जो गठबंधन है वह चुनाव से पहले भी किए जाते हैं और चुनाव के बाद भी किए जा सकते हैं। तो इस गठबंधन का युग की शुरुआत कब से हुई इसे जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1989 से मानी जाती है। 1984 में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन 1989 में कांग्रेस को 197 सीटें मिली थीं। तो 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पतन हो गया था। वह अभी भी लोकसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। तो कांग्रेस को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला, इसलिए इसने अपने आप को विपक्ष में बैठाना स्वीकार किया और यह विपक्ष में बैठे। साथ ही भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई। राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर यह सरकार बनाई गई थी। इसीलिए इस परिवर्तन के साथ ही केंद्र में गठबंधन सरकारों का क्रम आरंभ हुआ। अभी तक हमारे देश में गठबंधन सरकारों का दौर नहीं आया था और यहीं से राष्ट्रीय मोर्चा ने जो गठबंधन सरकार बनाई, यही हमारे केंद्र में गठबंधन सरकारों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस कालखंड में कांग्रेस के वर्चस्व की समाप्ति के साथ ही बहुदलीय शासन प्रणाली का युग आरंभ हुआ तथा क्षेत्रीय दलों ने भी गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, इस कालखंड में कांग्रेस के वर्चस्व, अभी तक हमारे देश में कांग्रेस की जो स्थिति थी वह हमेशा मजबूत रही है और यही एक ऐसा राजनीतिक दल रहा है जिसने अकेले दम पर अपनी सरकार बनाई। जनता ने इनका समर्थन किया और यह हमेशा बहुमत से आए और इनकी सरकार बनती रही। लेकिन इस कालखंड में 1989 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, इसलिए इस दौर को कांग्रेस के पतन के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कांग्रेस का पतन हुआ नहीं, अभी भी जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी विचारधाराओं या अपनी नीतियों को लागू करते समय कांग्रेस का ध्यान जरूर रखते हैं। साथ ही बहुदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय का मतलब होता है जहां पर अनेक राजनीतिक दल हों। तो अभी तक कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बना रही थी, लेकिन इस कालचक्र के बाद बहुदलीय शासन प्रणाली का भी युग आरंभ हो गया। क्षेत्रीय दल को हम लोकल पार्टी भी बोलते हैं और क्षेत्रीय दल उन्हें कहा जाता है जिनका प्रभाव एक या दो राज्यों में होता है। आइए फिर देखते हैं कि गठबंधन की जो राजनीति थी कैसी चली। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, इसे भाजपा और वाम मोर्चा इन दोनों ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन 11 माह के बाद ही भाजपा ने इस दल से समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। इसके बाद नवंबर 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल
सेकुलर की सरकार बनी, जिसको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, लेकिन यह सरकार भी शीघ्र ही गिर गई। तो बच्चों, इस विचार में आपने एक ध्यान दिया होगा कि जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी तब भाजपा ने समर्थन दिया है, और इसके बाद जब जनता दल सेकुलर की सरकार बनी है तो इसमें कांग्रेस समर्थन दे रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सरकार को भाजपा समर्थन देती थी उसका समर्थन कांग्रेस नहीं करती थी, और जिस सरकार को कांग्रेस समर्थन देती थी उसका भाजपा समर्थन नहीं करती थी। इसी घटनाक्रम में 1996 और 1998 में भी कई सरकारें बनी। 1996 में भाजपा सबसे बड़ा दल बना, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। किसी तरह भाजपा ने अपनी सरकार का गठन किया, लेकिन किसी दूसरे दल का समर्थन न मिलने की वजह से यह भाजपा की सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। उसके बाद HD देवगौड़ा की सरकार बनी, फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। एक तरह से 1998 तक आते आते ज़्यादातर राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया कि अब अकेले सरकार बनाना नामुमकिन है, इसलिए कुछ दलों ने चुनावों से पहले ही गठबंधन बना लिए। देखिए, अब 1998 के चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को बहुमत भी मिला। इस आधार पर भाजपा की सरकार बनी, लेकिन भाजपा और सहयोगी दलों के आंतरिक गुटबाजी और आंतरिक द्वेष भाव के कारण यह सरकार सिर्फ 13 मई तक ही चल सकी, और 13 मई बाद यह सरकार भी गिर गई। 1999 में भाजपा ने क्या किया, इसने 24 राजनीतिक दलों से मिलकर एक गठबंधन बनाया, और इस गठबंधन को राजग भी कहते हैं या NDA भी कहते हैं। तो बच्चों, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है राजग या NDA का पूरा नाम लिखो। रा से हो गया राष्ट्रीय, ज से हो गया जनतांत्रिक, ग से हो गया गठबंधन। तो भाजपा और 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, और अब की बार 1999 के चुनाव में NDA को फिर बहुमत मिला, और यह पहली ऐसी गठबंधन सरकार थी जिसने अपना पूरा कार्यकाल किया। साथ ही 2004 में फिर आम चुनाव हुए, और 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस ने भी भाजपा की तरह गठबंधन बनाया। उस गठबंधन को UPA या संप्रग, या इसका संप्रग का पूरा नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो 2004 में UPA के नाम से एक गठबंधन बनाया गया, और इस चुनाव में इस गठबंधन को बहुमत मिला, इसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया, और 2009 में फिर आम चुनाव हुए जिसमें फिर UPA या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार आज़ादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी दल को पूरा का पूरा बहुमत मिला,
अर्थात भाजपा को अकेले ही 543 में 282 सीटें मिली। अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन को 334 सीटें मिली, इसलिए इस बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो 16वीं लोकसभा 2014 का जो चुनाव है वो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसके पहले हमारे देश की राजनीति पर पहले कांग्रेस का वर्चस्व रहा, उसके बाद गठबंधन सरकारें भी बनी और गठबंधन के दौर में ही राजनीतिक दलों को यह एहसास हो चुका था कि अब अकेले कोई भी राजनीतिक दल सरकार का गठन नहीं कर सकता है, लेकिन इस बात को गलत साबित किया 2014 के चुनाव में। इसमें अकेले भाजपा ने 543 में से 282 सीटें जीती। इस आधार पर भाजपा, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी भी कहते हैं, इसने एक इतिहास रच दिया कि अकेले दम पर भी पार्टी या सरकार का गठन किया जा सकता है। तो बच्चों, ये हुआ चुनाव या गठबंधन की राजनीति। फिर जानते हैं भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार के प्रभाव। भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकारों के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रहे हैं। ये प्रभाव कौन कौन से हैं इन्हें जान लेते हैं। गठबंधन राजनीति शुरू होते ही केंद्र में भी अस्थिर सरकार का दौर आ गया। अभी तक देखिए बच्चों, जब सरकार सिर्फ एक राजनीतिक दल के माध्यम से बहुमत प्राप्त करती है और सरकार का गठन करती है तो वह सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करती है और उससे देश का विकास भी तेजी से होता है। लेकिन जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो वह दलों को मिलाकर बनाई जाती हैं, इसलिए एक दल की अपेक्षा जब क्षेत्रीय दलों को मिलाकर या अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन किया जाता है तो उसमें देश का विकास प्रभावित होता है। यही हुआ गठबंधन राजनीति में। गठबंधन राजनीति जैसे ही शुरू होती है केंद्र में भी अस्थिर सरकारों का दौर आ जाता है। अस्थिर मतलब सरकार जल्दी जल्दी बनती थी और अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही गिर जाती थी। दूसरी चीज क्या थी, गठबंधन की अधिकांश सरकारें अस्थाई रहीं। जो भी सरकारें बनी वह अपना कार्यकाल कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। और जब सरकारें अस्थाई रहती हैं तो इससे भारतीय जनता और देश का विकास दोनों ही प्रभावित होता है। गठबंधन के इस दौर में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी भी सक्रिय होने लगी। पहले भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल की सरकार बनती थी, अर्थात कांग्रेस की बनती थी। फिर बीच में गठबंधन की राजनीति आई और गठबंधन राजनीति में ही क्षेत्रीय दलों की भागीदारी सक्रिय हुई है। जो आपका 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी वह जनता दल और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाई गई थी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सपा, जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं, यह हमारा एक क्षेत्रीय दल है। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि हमारी जो भारतीय राजनीति है इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में परिवर्तन होता है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हमारी भारतीय राजनीति में घटित हुई हैं जिन्होंने हमारी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा में परिवर्तित किया है। तो बच्चों, इस अध्याय के अध्ययन के बाद हम आपको
कुछ गृह कार्य भी दे रहे हैं और इस अध्याय को आप अपने तरीके से भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। और वैसे तो हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इनके उत्तर भी हम बताएंगे। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, ये बच्चों ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें भी नोट करते चलें। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा ही की गई थी। कांग्रेस प्रणाली कहाँ से समाप्त मानी जाती है, तो 1989 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, इसीलिए उसे कहा जाता है कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए और यूपीए का पूरा नाम लिखिए, तो एनडीए को राजग भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए, यूपीए को संघ प्रग भी कहते हैं, संघ से हो गया संयुक्त, प्रा से प्रगतिशील, गा से गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। वह कौन सी पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था, इसका उत्तर आपको इसी में मिलेगा, इसे आप देख लीजिएगा। साथ ही किस गैर कांग्रेसी दल को पहली बार आज़ादी के बाद पूर्ण बहुमत मिला। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इस आधार पर नोट्स बनाइए जो आपको परीक्षा में भी काम आएंगे। और इससे संबंधित यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।